when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Karo, karo, hello, karo, go, go. Every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key. Hello friends, welcome to OG and Rhino Vlogs. So, abhi hum nikle तीनों घूमने के लिए राइनो, ये रही हमारी रोजी। आ जा जल्दी, हरी अप, कम। मौसम ने एक या डेढ़ हफ्ते बाद करवट ली है। अभी ठंड भी पड़ गई है इन दिनों, और बारिश और बर्फबारी के आसार भी हैं। तो मैं कल आ गया था घर से बारिश से बचते हुए, तो अगर आ जाता तो आज तो हालत ख़राब होनी थी। जल्दी आ जल्दी। अच्छा और अन्नू, ठीक है, नमस्कार जी। करो करो हेलो करो इनको, करो करो हेलो करो इनको। रोजी राइनो आजकल फिर से लंबी पत्ती वाला घास खा रहे हैं, इसका मतलब इनकी डिवॉर्मिंग होगी ड्यू। लास्ट टाइम शायद एक महीना पहले इनको डिवॉर्मिंग की दवाई दी थी, बट वो इफेक्टिव नहीं रही। इफेक्टिव ना रहने का मतलब दोबारा से ड्यू हो चुकी है। और एक वाली पता नहीं क्या नाम था उसका, वो बहुत इफेक्टिव थी, उससे दो या तीन महीने तक नहीं करवानी पड़ती फिर ड्यू हमें, बट उसे एक महीने में इनका कुछ काम ख़राब हो गया। इसने आजकल नया सीखा हुआ, देखो कहाँ जाके हग रहा है दूसरे के एरिया में। वो छोटा सा डॉगी है उसके, ये देखो अब यहाँ से पूरा ये पीछे वाली टांगों से पूरा स्क्रैच करके कि मैं बहुत ख़तरनाक हूँ, और ये एरिया अब मेरे को बिलोंग करेगा, मैं इस एरिया का मालिक हूँ। एरिया मार करके आ गया, चल आ जा चल। ये इनकी सेंसिंग पावर है, राइनो जो सेंस कर रहा है, वो क्या सेंस कर रहा है, यहाँ पे ऊपर डॉगी है बैठा हुआ, ठीक है। पहली नज़र में तो मेरे को भी दिखा ये बैठा हुआ, इसका दुश्मन यहाँ पे, बट ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं चल रहा है, स्टिल बैठा हुआ है। अब राइनो यहाँ पॉटी करेगा और दोबारा अपना एरिया मार्क कर देगा। चलो आ जाओ, वापस आ जाओ राइनो, कम कम बैक, नहीं जाना ऊपर, आ जा, चलो आ जाओ, वापस आओ, आ जा आ जा, जल्दी आ जा जल्दी आ जा। गैंग घेर लेगी तेरे को जंगल में, चल आ जा, आगे से आएगा, चल आ जा आ जा, वापस आ, जल्दी आ जल्दी। पूरे मोड में गया हुआ है कि अगर मेरे को मिला तो मैं उधेड़ के रख दूंगा। चल 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 चल, पीछे आ चली हुई है, तो बादल भी जब आंधी चलती है तो बादल उड़ जाते हैं, और बारिश के संभावना जो बिल्कुल कम हो जाती है। देखते हैं, अगर हो जाए तो बढ़िया है, अच्छा रहेगा क्लाइमेट, ना हो तो दिक्कत है। चलो होप फॉर द बेस्ट। कल ही मैं अपने गांव से वापस आया, तो गांव में और शहर का अंतर धीरे धीरे जिस एज के पड़ाव में हम हैं वहाँ पे समझ आ रहा है कि गांव का इम्पोर्टेंस क्या है, शहरों का क्या इम्पोर्टेंस है, शहर में हम क्या लैक करते हैं, गांव में हम क्या, हमारे जो बेनिफिट्स हैं गांव में, हमारी कई चीज़ें ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, शहरों में वही चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ती है। रेंट पे रहो,
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हेल्थ से लेकर कई चीज़ें ऐसी हैं। बचपन से जब हम जवानी की तरफ जाते हैं तो हम भागते हैं गांव छोड़ के शहरों की ओर, की गांव में कुछ नहीं रखा, शहर ही सब कुछ है। लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है, 35 के बाद बंदा घर की तरफ भागता है कि काश घर के आसपास। अब मैं सोचता हूँ कि बंदे जो जॉब करते थे सरकारी टीचर्स, तो घर के आसपास क्यों रहना पसंद करते थे? तो रीज़न यही है कि अपने माँ बाप की सेवा करो, गाँव में रहो, अच्छा जीवन यापन करो। शहर में साला किराया दे दे के ही ख़त्म हो जाती है ज़िंदगी, किराया दे दे के केमिकल वाले सब्जियां खा खा के शहर में है। क्यों रोजी आए ना, सही बोल रहा हूँ मैं, है ना, सही बोल रहा हूँ ना। चलो इसने तो फेर लिया परली तरफ मुँह कि अब हम घर जा रहे हैं। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, इनको जाने दिया, और अभी इन्होंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है कि मैं आया हूँ कि नहीं आया हूँ। अब इनको पता ही नहीं है, पता इन्होंने मेरे को देखा, नोटिस किया कि तो पीछे रह गया। अब रोजी देख रही है, कम रोजी कम है, साइड रहना, गाड़ी आ रही है, आ जल्दी जल्दी आ जाओ। ये इनकी खास बात है कि जब भी ये जाएंगे पीछे मुड़ के कंफर्म करते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर वापस आके साथ आएंगे, फिर चलेंगे। आ चलो मैं चला जाता हूँ उनके पास। पूरी गैंग बैठी है ऊपर, ठीक है राइनो, राइनो ये राइनो से गुस्सा है कि इनकी मोहल्ले की लड़की को छेड़ रहा है राइनो। यहाँ क्या है राइनो, आ जा आ जा। ये रहे ऊपर तीन जो सोच रहे हैं कि हमला किया जाए, बट नहीं कर। क्या मैं राइनो, पापा तेरे को बैठने नहीं देते हैं? जी मेरी जगह बैठो, मैंने इसको बोला, मैं क्या उससे मेरे को बैठने दे, तो एडजस्ट कर लो ना, अभी इसकी जगह भी तो थी ना, यहाँ से आया पर ऐसे और बैठ गया कोर्ट में। सच राइनो ऐसे होता है? जैसा अभी भी ये छोटा बच्चा समझता है, छोटा तो नहीं है बेटा, तुम देखो उसकी और आपका चेहरा देखना। जब भी बैठ कपड़े उतारे ना तब लग रही है, ये तो मेरा भालू बन गया, भालू होता ना, भालू भी छोटा होता है, समझ गया, बात कर रहे हैं ना, इसको पता है ना राइनो। देखो क्या हुआ, पूरा इसको चाहिए बैठने के लिए, और गोद में ऐसे नॉर्मल गोद में बैठता है ना, ऐसे नहीं बैठते मुंडी रखे, पूरा चढ़ जाएगा, आधा चढ़ जाएगा गोद में। ठीक है इसकी तारीफ हो रही है। लो मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है ठीक है।